नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बैटरी से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो ना आपने कभी सुनी होगी। तो दोस्तों, आपकी बाइक की बैटरी बार बार बदलनी क्यों पड़ती है? जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप बाइक मैकेनिक या बैटरी वाले के पास जाते हो तो वो बोलता है, सर आपकी बैटरी ख़त्म हो गई है और आपको नई बैटरी डालनी पड़ेगी। ऐसा साल 1.5 साल में आपको हर बार बैटरी नई डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि किससे इससे बचा जाए कि हर बार आपको बैटरी नई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और जब ख़त्म हो जाती है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोस्तों, बैटरी बाइक की बैटरी है होती है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट में सब बाइक की अलग अलग होती है। कुछ बाइक में 2.5 एम्पियर है, कुछ में 4 एम्पियर, कुछ में 5 एम्पियर। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये बैटरी है 2.5 एम्पियर, ये है 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ये 2.5 एम्पियर और ये 5 एम्पियर। 5 एम्पियर और 4 एम्पियर सेल्फ स्टार्ट बाइक में लगती है और 2.5 एम्पियर किक स्टार्ट में लगती है। दोनों में सब 12 वोल्ट ही आती है, एम्पियर का डिफरेंस आता है। जब आज मैं आपको बताऊंगा कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसमें मल्टीमीटर में कितना वोल्ट रहता है, मैं आपको मल्टीमीटर के साथ कंपेयर करके बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले नई बैटरी का वोल्ट दिखा देता हूं। ये है मल्टीमीटर और मैंने वायर जॉइंट किया है। मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूं 12 वोल्ट पे। ये मैंने सेट किया, अब मैं बैटरी से लगाऊंगा जो नई बैटरी है। माइनस को माइनस में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, ये मैंने लगाया दोनों। अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, ये 12 वोल्ट दिखा रहा है जबकि बैटरी फुल चार्ज होने पर 12 वोल्ट तो होने ही चाहिए कम से कम। 12 वोल्ट से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, फुल चार्ज बैटरी 12 वोल्ट तक रहती है। और अब मैं दूसरी बैटरी बताऊंगा जो बिल्कुल डिस्चार्ज है और डेड हो गई है। ये बैटरी है, प्लस को प्लस में लगाता हूँ, माइनस को माइनस में लगाता हूँ, दोनों को लगाया। देखो, इसमें 8.795 वोल्ट दिखा रहा है जो कि ये बैटरी अब चार्ज नहीं होगी किसी भी हाल में। और मैं दूसरी बैटरी दिखाता हूँ जो चार्ज होगी जबकि आपकी बाइक में लगे ली है, तब सेल्फ नहीं लगता, हॉर्न नहीं बजता और आपको सिर्फ चार्ज करके ही वो बैटरी वापस आपकी बाइक में चालू होगी। ये बैटरी है, अब मैं इसको लगाता हूँ। आप देख रहे हो इसमें 11.75 वोल्ट दिखा रहा है जबकि ये बैटरी रिचार्ज होकर फिर आपके बाइक में सेल्फ भी लगेगा और हॉर्न भी बजेगा। ये बैटरी बिल्कुल रिचार्ज होगी और हमको नई डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी भी किसी बाइक मैकेनिक के पास जाए या बैटरी वाले के पास जाए, वो बोलता है आपको कि आपकी बैटरी ख़त्म हो गई है और नई डालनी पड़ेगी, तो उसको बोलो कि मल्टीमीटर से चेक करें। मल्टीमीटर से चेक करके आपकी बैटरी का वोल्टेज है, आप देख रहे हो
11.75 दिखा रहा है, आपकी बैटरी का वोल्ट 10 वोल्ट भी दिखा रहा है, तब भी आपकी बैटरी कंप्लीट होगी। आपकी बैटरी को चार्ज करके फिर से रीयूज किया जा सकता है, जबकि आपको बदलने की जरूरत नहीं होगी। और बैटरी की लाइफ कम से कम 3 साल तक होती है, 2 से 3 साल तक आराम से बैटरी चलती है, ना उसको बदलने की जरूरत पड़ती है। हाँ, किसी कारण आपकी बैटरी लो हो गई है तो उसको चार्ज करने की जरूरत होती है, आपको बार बार बैटरी डालने की जरूरत नहीं होती है। मैं एक बैटरी और दिखा देता हूँ, ये नई बैटरी है और इसका भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो ये 12 वोल्ट दिखा रही है, कंप्लीट नई बैटरी 12 वोल्ट दिखाती है और आपकी डिस्चार्ज हुई बैटरी 12 वोल्ट से कम वोल्ट दिखाएगी। आपकी बैटरी में 10 वोल्ट से कम है, 9 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, तो वो आपकी बैटरी फेल हो गई है। जब आपकी बैटरी सही होगी तो वो 10 वोल्ट आसपास होगी, तो आपकी बैटरी चार्ज होगी और आपको नई डालने की जरूरत नहीं होगी। नमस्ते दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार।